Hello everyone, welcome back to the channel and hope you all are doing good. So, मैं हूँ अभिलिप्षा, मैं नीदरलैंड्स में रहती हूँ एंड यहाँ के बारे में इस वीडियो बनाती हूँ. तो अभी शाम के हो रहे हैं 4:30 एंड हम लोग निकले हैं ग्रॉसरी शॉपिंग के लिए. आप लोग देख सकते हैं कितना अंधेरा हो रखा है. विंटर में ऐसे ही 4:30 बजे तक पूरा अंधेरा हो जाता है. तो मैं जिस शॉप पे जा रही हूँ उसका नाम डर्क है, जो कि मेरे घर से ओनली 4 to 5 मिनट्स के डिस्टेंस पे है. तो मैंने सोचा क्यों ना मैं यहाँ के ग्रॉसरी स्टोर्स एंड इसका प्राइसिंग एवरीथिंग आप लोग के साथ में शेयर करूँ. तो चलिए चलते हैं डर्क के अंदर. ये मेरे हस्बैंड एंड मेरा बेटा. तो आप लोग ये ट्रॉली लेके जा सकते हैं या फिर ये जो प्लास्टिक का जो बैग है इसको लेके भी जा सकते हैं. तो एंट्री करते ही साइड पे आपको यहाँ पे फ्लावर्स दिख जाएंगे. इसके साइड में ही कट किया हुआ वेजिटेबल्स रखा है, कैरेट्स एंड कैबेज. सबका प्राइसेस नीचे आपको दिख जाएगा. ऑरेंजेस हैं जो कि 2.49 का है एंड यहाँ पे साइड में टोमेटोज़ हैं जो कि 1.19 पर 500 ग्राम्स हैं. टोमेटोज़ के भी बहुत सारे वैरायटी आपको दिख जाएंगे. यहाँ पे चेरी टोमेटोज़ है जो कि सैलड के साथ यहाँ पे खाते हैं एंड बहुत अच्छे और टेस्टी होते हैं. ऊपर एवोकाडो है जो कि पर पीस 1.49 का है. यहाँ पे कैबेज भी बहुत सारे डिज़ाइन, बहुत सारे सेब्स के आते हैं. जो कैप्सिकम है वो पर 3 पीस डिफरेंट कलर के होते हैं एंड 2.49 इसका प्राइस है. कुकुम्बर एंड जो ब्रिंजल है यहाँ पे सारे पर पीस मिलते हैं. सबका प्राइस ऊपर आपको दिख जाएगा. तो कुकुम्बर का 0.89, ये जो गार्लिक है इसका 500 ग्राम्स को 2.39 इसका प्राइस है. अभी हम लेते हैं रेड अनियंस जो कि पर 1 किलो 0.89 सेंट का है, 85 सेंट का है. ऊपर आपको सारे जो लेंटिल्स है वो मिल जाएंगे, सारे दाल मिक्स दाल यहाँ पे मिलता है, मसूर दाल मिलता है. सो ये सब 500 ग्राम्स का पैकेट है एंड इसके लिए 1.39 इसका प्राइस है, जो कि 150 से 200 के अंदर आता है. देख सकते हैं आप लोग यहाँ पे जो ग्रीन पीस मिलता है एंड ये सोयाबीन से थोड़ा सा बड़ा एक दाल है ये मिलता है. एंड यहाँ पे पोटेटोस है जो कि फॉर 2.5 kg ये 3 यूरो का पड़ता है. ये भी 4.5 kg 5 यूरो का पड़ता है. तो देख सकते हैं आप लोग, तो लगभग 1 kg 1 यूरो का पड़ता है, यानी 85 to 90 रुपीज़ का. यहाँ पे स्ट्रॉबेरी, ब्लूबेरी, आपको सब कुछ बहुत ही ज़्यादा वेराइटी के मिल जाएंगे. तो ये सब पैक जो है ये 2 से 3 यूरो के अंदर आता है. ये है सारे ग्रीन वेजिटेबल्स. ये है सिम्प, ये है 500 ग्राम्स 1.79 का है. एंड ग्रीन बीन्स है जो कि पर 500 ग्राम्स 2 यूरो का आता है. सबके प्राइसेस आपको उसके नीचे हिस्से में दिख जाएंगे. यहाँ पे कैरेट्स भी बहुत खाते हैं एंड छोटे छोटे कैरेट्स जो बहुत ही स्वीट होते हैं. ये जो कॉलीफ्लावर है ये 1.69 का है. एंड साइड में ब्रोकली है जो कि पर पीस 2 यूरो का है. साइड में आपको छोटे छोटे पत्ता गोभी के जैसे जो दिखते हैं, ये है स्प्राउट्स एंड ये भी 1 यूरो का है. तो यहाँ पे ऐसे जो है कट वेजिटेबल्स मिलते हैं, जैसे कि स्पिनच है यहाँ पे है एंड कैरेट, कैबेज सब कट किया हुआ मिलता है. ये फ्रेश जूस का सेक्शन है. नीचे यहाँ पे आपको मूंगफली दिख जाएगा. एप्पल्स के भी बहुत सारे वैरायटी हैं, बट हम लोग ये रॉयल गाला जो है ना वो ही लेते हैं, जो कि 2.79 का आता है, सॉरी 2.49 का आता है. आई थिंक 500 या 600 ग्राम का 4 पीस आता है, हम लोग वही लेते हैं, वो सबसे स्वीट रहता है. ऑरेंज का भी प्राइस यहाँ पे आपको दिख जाएगा. ऊपर लेमन है, 3 पीस का आपको 1 यूरो पे मिल जाएगा. देख सकते हैं ऑरेंज का भी प्राइस यहाँ पे लिखा हुआ है 1.99 एंड पर 2 kg आपको 2.49. बनाना भी प्राइस आपको 500 ग्राम्स का 1.25 ऐसा कुछ रहता है. एंड कीवी भी आपको वैसे ही प्राइस में मिल जाएगा, लिखा हुआ है 2.49. ये देख सकते हैं आप लोग.
एंड चीज़ का भी तो वैरायटी इतना सारा है, मुझे आज तक समझ में नहीं आया कौन सा लूँ कौन सा ना लूँ, इसलिए मैं हमेशा मोज़रेला ही लेती हूँ। बहुत टाइप के मतलब वैरायटी यहाँ पे आपको बहुत सारे मिल जाएंगे। तो यहाँ पे आपको गोट चीज़, ये फेटा का चीज़ एंड सैलड चीज़, ये सब दिखेगा। यहाँ पे सैलड के साथ में इस चीज़ को खाते हैं तो, एंड ये बहुत ही ज़्यादा तो सॉफ्ट मुझे होता यहाँ है। से कुछ भी नहीं लेना है, ये सारे पैक्ड फूड हैं, तो आप लेके इसको इंस्टेंट खा सकते हैं। ये है नॉन वेजिटेरियन सेक्शन, तो आप यहाँ से देख सकते हैं प्रॉन वगैरह यहाँ पे हैं, ऊपर आपको दिख जाएगा। तो प्रॉन जो है ये 100 ग्राम्स को आई थिंक 2.49 का लिखा है, हाँ ये वाला जो है 2.49 का है, एंड 150 ग्राम्स को 3.49 का है। तो मैंने ये वाला ट्राई किया है। वैसे ही आपको यहाँ पे चिकन का भी सेक्शन मिल जाएगा, यहीं साइड में ही है, तो चिकन का भी पैक यहाँ पे अवेलेबल है। आई थिंक फॉर 800-900 ग्राम्स आपको 6-7 यूरो का पड़ता है, एंड यहाँ पे मैरिनेटेड वाला चिकन भी अवेलेबल रहता है। तो ये लोग ऐसे मैरिनेट करके सेल करते हैं, पर हाफ के जी आपको 3-4 यूरो का पड़ता है वो मैरिनेटेड वाला। एंड यहाँ पे फिश वगैरह भी है। तो अभी हम चलते हैं राइस के सेक्शन पे। यहाँ पे बासमती राइस आपको मिलेगा, ब्राउन राइस, वाइट राइस, ये पंडन राइस ये है, एंड नीचे वाला जो राइस है वो हम लोग लेते हैं। और यहाँ के बासमती राइस भी बहुत ही अच्छे हैं, मतलब थोड़े एक्सपेंसिव हैं बट बहुत ही अच्छे से बनते हैं। एंड साइड में आपको पास्ता का सेक्शन मिल जाएगा, यहाँ पे जो पूरा पास्ता का सेक्शन है, साइड में पास्ता सॉस वगैरह है। देन ये जो है बेकिंग वाला सेक्शन, साइड में एग्स हैं जो कि फॉर 12 एग्स यहाँ पे 2 यूरो तक का पड़ता है। ये पूरा जो सेक्शन है ये ब्रेड का है सेक्शन, तो शाम होते होते ये पूरा ख़त्म हो जाता है। आप लोग देख सकते हैं आधे से ज़्यादा जो काउंटर है ये पूरा खाली है, क्योंकि हम लोग शाम को जाते हैं ग्रॉसरी लाने, तो तभी कम थोड़ा भीड़ रहता है इसीलिए। एंड चलते हैं मिल्क एंड कर्ड के सेक्शन पे। तो ये 2 लीटर वाला जो मिल्क है ये हमको 2.4 यूरोस ऐसा समथिंग पड़ता है, तो मैं हमेशा वही लेती हूँ। ये है मिल्क सेक्शन। मिल्क के भी आपको बहुत सारे वेराइटीज़ मिलेंगे। मैं यहाँ पे यहाँ से योगर्ट लूँगी, योगर्ट भी हमको 1 लीटर जो है ये आसपास 1 यूरो का पड़ता है। योगर्ट का भी जो वैरायटी आपको बहुत सारे आपको मिल जाएंगे, बहुत सारे फ्लेवर्स के भी आपको मिल जाएंगे, जैसे कि ऑरेंज हो गया, स्ट्रॉबेरी एंड चॉकलेट फ्लेवर, ये सारे फ्लेवर्ड योगर्ट हैं, एंड ये सारे बहुत ही मतलब टेस्टी भी रहते हैं। तो ये बच्चों के लिए जो योगर्ट आता है ये वो सब है, सबका वैरायटी आपको बहुत सारा मिल जाएगा। कुकिंग क्रीम है, बटर वगैरह में भी बहुत सारे ब्रांड और बहुत सारे वैरायटी जो यहाँ पे अवेलेबल है आप लोग देख सकते हैं। देन मैं आपको दिखाती हूँ यहाँ पे फ्रोजन सेक्शन पे क्या क्या मिलता है। तो यहाँ ये जो है सारे आपको बेरीज वगैरह, स्ट्रॉबेरी, ब्लूबेरी, सब कुछ यहाँ पे फ्रोजन भी आपको मिलेगा। ये फिश है, ऊपर प्रॉन है, ये जो 1 केजी टाइगर प्रॉन आपको 12 यूरोस का पड़ेगा। ये सारे जो प्रॉन्स हैं, एंड नीचे आपको फिश मिल जाएगा, सारे सारे जो हैं आपको सी फिश वगैरह सब कुछ मिल जाएंगे यहाँ पे, सारे सी फिश ही मिलते हैं। एंड ये फ्राइज़ का सेक्शन है, फ्रेंच फ्राइज़ आपको, आप इसको एयर फ्राई या फिर फ्राई करके खा सकते हैं। यहाँ पे आपको फ्रोजन फ्रूट्स की भी बहुत सारी वैरायटीज़ मिलेंगी, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं ऊपर जो स्टिक वगैरह है, फिश स्टिक है, वेजिटेबल स्टिक है, नीचे फ्राइज़ वगैरह, फ्रेंच फ्राइज़ वगैरह रखा हुआ है, सारे आप जस्ट सॉटे करके खा सकते हैं। ये जो चिकन विंग्स वाला जो पैकेट है ना ये 3 यूरो का है, एंड ये बहुत टेस्टी होता है। ऊपर पूरा आइसक्रीम का सेक्शन है, एंड नीचे पूरा पिज़्ज़ा का सेक्शन है, आप लोग देख सकते हैं। तो यहाँ पे पिज़्ज़ा का भी बहुत सारे वैरायटी मिलेंगे जो कि आप लेके फटाफट से खा सकते हैं। तो बिलिंग करके मैं हम लोग घर आ गए हैं, एंड बिल टोटल 25 यूरोस का हुआ है। तो मैं आपको बता देती हूँ, ये चॉकलेट जो है 2 यूरोस का है, एंड चिकन 2 यूरोस 2.5 का है, आइसक्रीम 2 यूरोस का है, राइस पर क्रॉसन भी 2 यूरो का है, राइस जो है 2 केजी का वो 4 यूरोस है।
एंड बनाना 1.25, कॉलीफ्लावर जो है 1.69, योगर्ट एंड मिल्क 2 यूरोस का, ऑयल है 1.3 का, तो टोटल इतना हुआ है। यहाँ पे मंथली खर्चा 300 to 400 के अंदर आता है। तो होप यू लाइक दिस वीडियो एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय, सी यू सून।